नमस्कार। आज की वीडियो एक नए रोग के साथ, टमाटो फ्लू। कोरोना के बाद ओमिक्रॉन और ओमिक्रॉन के बाद मंकी पॉक्स और अब टमाटो फ्लू, इसके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर मेरी वीडियो आपने सब्सक्राइब नहीं की तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ज्ञानवर्धक स्वास्थ्य ज्ञानवर्धक आपको वीडियो मिलती रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो आप अपने दोस्तों में और अपने ग्रुप में शेयर करें, ताकि किसी दूसरे के भी ज़िंदगी में काम आए। अब वीडियो करते हैं शुरू। टमाटो फ्लू, ये एक फ्लू केरल में और महाराष्ट्र में अभी इसका पता चला है। यह एक अज्ञात बुखार है। यह 5 साल से कम बच्चों को प्रभावित करता है और अभी इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई कारण का पता नहीं है कि ये वायरल है या किसी फ्लू के टाइप का ही कोई चीज़ है। लेकिन इसका रंग लाल टमाटर की तरह होने से इसका नाम टोमेटो फ्लू रख दिया है। इसमें शरीर पर चकदे छाले होते हैं और उनका रंग लाल टमाटर की तरह होता है, इसलिए टमाटर से इसकी तुलना कर ली है। इसके लक्षण क्या हैं, आप अगर आस पास कोई देखो तो आपको इनके लक्षण, लाल रंग के चकदे होना, त्वचा पर जलन होना और डिहाइड्रेशन होना और बच्चों के मुंह में छाले होना, ये टमाटो फ्लू के लक्षण हैं। इस संक्रमण में बच्चों को तेज बुखार होता है और शरीर में दर्द होता है और हो सकता है कि जोड़ों में सूजन भी हो। बच्चों के पेट में ऐंठन होती है और ऐंठन के साथ ही जी मचलाता है, उल्टी आती है और कुछ बच्चों में दस्त भी होते हैं। बच्चों के हथेलियों का रंग लाल धब्बेदार और ये धब्बे घुटने और नितंब पर भी मिल सकते हैं। बच्चे को खांसी होती है और छींक आती है, इसीलिए इसको फ्लू में माना है। अब इससे बचाव कैसे करें, अभी इसका कोई खास ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं है, तो उपाय बचाने के लिए क्या करें। ऐसे बच्चे को दूसरे बच्चों से दूर रखें, साफ़ सुथरा रखें और फोपोले या छाले उनको खरोंचने से उसको बचाएं। पानी उबालकर ठंडा कर लें और वो ठंडा किया हुआ पानी ही आप बच्चे को पिलाएं और बार बार पिलाएं, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन भी होता है। आराम करें बच्चा, उसको इधर उधर भागने दौड़ने ना दें। हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ उसको खिलाते रहें। आमतौर पर मुनक्का का पानी देने से आशा है कि उसको आराम रहेगा और ज़्यादातर लिक्विड डाइट पर रखें। बच्चे को नारियल का पानी या कीवी ये बीच में देते रहें और अधिकतर बच्चे को लिक्विड डाइट ही दें, जैसे खिचड़ी या दलिया या सब्जियों का सूप की तरह का। आज इतना ही। अगली वीडियो हम बनाने से पहले इसमें ये कोशिश करेंगे कि इसको आयुर्वेद में पहले
क्या कहा जा सकता है और इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। आज इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय आयुर्वेद।